हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनी सिंह में। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं जो कि बजट में आपके 50,000 पदों पर भर्ती करने की बात कही गई है। तो ये जो कि कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी, यस फ्रेंड्स, कौन कौन से पदों में आपकी भर्ती होगी, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती होगी, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आप हमारे इस वीडियो में देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन भी क्लिक कर दे, जिससे हमारा जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आई फ्रेंड्स, पहले हम इसके जो कि आपके बजट में घोषणा हुई थी उन पर एक नज़र डाल देते हैं। तो देखिए, जो कि बजट में आपके 50,000 से अधिक पदों पर आगामी वर्ष में भर्ती की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप इन पेजों को देख लीजिए, बाद में हम बताने वाले हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कि 50,000 पदों पर होगी और देखिए परीक्षा देने के लिए रोडवेज में फ्री यात्रा होगी। और देखिए अगला है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, 1200 नए स्कूल खोले जाएंगे। और देखिए बाड़मेर में 365 बेड वाला अस्पताल, भरतपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप इसको पूरी ध्यान से देख लीजिए और आपको बजट के बारे में पता होगा, लेकिन आपको जो डिटेल्स पता नहीं है वही मैं बताने वाला हूँ। देखिए 1000 आयुर्वेदिक औषधालय को किया जाएगा विकसित। आगे देखिए मेडिकल के बाद अब हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। और देखिए अगला क्या है, भीलवाड़ा में नए अस्पताल का ऐलान। और देखिए 30 नए PSC खोलने की घोषणा। देखिए इसमें मेन क्या क्या है, देखिए मुख्यमंत्री युवा सबल रोजगार योजना के तहत बेहतर बनाए हुए युवाओं को विभाग में इंटर्नशिप कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए घोषणा। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। 50,000 से अधिक पदों पर आगामी वर्ष में भर्ती की जाएगी। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए गत वर्षों में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के साथ आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई आपके जो कि एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में। अब देखिए जो कि भर्ती किस किन किन में होगी। तो देखिए 50,000 से अधिक पदों की आगामी वर्ष में भर्ती की जाएगी। तो देखिए इसमें आपके डिपार्टमेंट कौन से आते हैं मुख्यतः, तो देखिए मुख्यतः आता है जो कि स्कूल। तो देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, 1200 नए स्कूल खोले जाएंगे। तो देखिए 1200 नए स्कूल खोले जाएंगे तो इसमें आपके टीचर्स की ज़रूरत होगी, वो भी इंग्लिश के। यस फ्रेंड्स, इंग्लिश जो कि आपके इंग्लिश टीचर्स बनने का सुनहरा मौका है। तो देखिए 1200 नए स्कूल खोले जाएंगे तो इसमें आपके कम से कम आपके इसमें 2 से 3 हज़ार पदों पर भर्ती होगी जो कि इंग्लिश टीचर्स की। तो देखिए इंग्लिश टीचर्स आप इसमें भर्ती की जाएगी। अगला देखिए पॉइंट आपके क्या है, देखिए बाड़मेर में 365 बेड वाला अस्पताल, भरतपुर में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। तो देखिए आपके जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छी भर्ती होगी। तो यहाँ पर देखिए जो कि 1000 आयुर्वेदिक औषधालय को किया जाएगा विकसित। तो देखिए आयुर्वेद विभाग में भी आपके इसमें लगभग आपके 5 से 10 हज़ार तक की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और देखिए इसमें आपके मेडिकल के बाद हर कॉलेज जिले में नर्सिंग कॉलेज। तो देखिए नर्सिंग कॉलेज यानी कि आपके इसमें एजुकेशन में, तो देखिए नर्सिंग में और आपके देखिए भीलवाड़ा में नए अस्पताल का ऐलान। तो देखिए अस्पताल और देखिए 30 नए PSC खोलने की घोषणा। तो देखिए इसमें आपके जो कि मेन, तो देखिए आपके डिपार्टमेंट है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, और देखिए जो कि आपके आयुर्वेद डिपार्टमेंट, और इसमें आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट में, और आपके जो कि डॉक्टरों की वैकेंसी है वो इसमें इस साल बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसमें देखिए 30 से 40 हज़ार जो कि डॉक्टरों की, और देखिए 10 से 15 हज़ार आपके शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। तो इसमें आप तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपके वैकेंसी जल्द आएगी, तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स, आप नए नए एजुकेशनल अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, इसका जो कि डिपार्टमेंट में कुल कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं तो उसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब